अब ये वाला केस देख लीजिए, 22 साल का एक मुस्लिम आदमी है जो तुम्हारा फास्टिंग कर रहा था रमजान के महीने में। अब वो कंप्लेन कर रहा है कि उसमें येलो उसको येलोइंग ऑफ आइज हो रही है 1 हफ्ते से, और साथ ही साथ तुम्हारा बुखार और प्रोडक्टिव कब चला हुआ है 2 दिनों से। प्रोफेशनल डायग्नोसिस गिलबर्ट सिंड्रोम का बनाया गया हुआ है, इसका वर्कअप करना है। 22 साल का एक मुसलमानी आदमी है जो रमजान के महीने में आया हुआ है, ये कहते हुए कि उसको येलोइंग ऑफ आइज हो रही है, आँखें पीला पड़ गया हुआ है 1 हफ्ते से, और प्रोडक्टिव कब हो रही है बुखार के साथ 2 दिनों से। प्रोविजनल डायग्नोसिस गिलबर्ट सिंड्रोम का बनाया जा रहा है, उसका वर्कअप करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने उसका क्लिनिकल फीचर्स चेक किया। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं है, जॉन्डिस उसको हो रखी हुई है 1 हफ्ते से, लेकिन वो सिर्फ आँखों में आँखों को ही पीला बना के रखा हुआ है। एनोरेक्सिया नहीं है, मेलाइज नहीं है, बस हल्का फुल्का अपर एब्डोमिनल पेन है और इन्फेक्शन के साथ हो रखी हुई है, लेकिन कोई भी फैमिली हिस्ट्री एज सच तो दे नहीं रहा है। एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट, जब एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं है पेशेंट, लेकिन जॉन्डिस हो रखा हुआ है 1 हफ्ते से, लेकिन सिर्फ आँखों में हो रखा हुआ है। एनोरेक्सिया नहीं है, मेलाइज नहीं है, हल्का फुल्का सा अपर एब्डोमिनल पेन है, और साथ के साथ इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, और कोई भी फैमिली हिस्ट्री ऐसा प्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि उसके पिताजी को भी ऐसे ऑन एंड ऑफ तुम्हारा क्या कंडिटस हुआ करता था। एग्जामिनेशन करने पे माइल्ड जॉन्डिस मिल रही है, लेकिन हेपेटोस्प्लेनोमेगली नहीं मिल रही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल लिमिट के अंदर ही है। माइल्ड जॉन्डिस मिल रही है, हेपेटोस्प्लेनोमेगली नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल लिमिट के अंदर ही है। इन्वेस्टिगेशन जब किया तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ी हुई मिल रही है 4 मिलीग्राम% तक, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ी हुई मिल रही है 4 मिलीग्राम% तक। यूरोबिलिनोजन यूरिन में हम लोग को मिल रही है, इस पेशेंट में यूरोबिलिनोजन हम लोग को यूरिन में मिल रही है, लेकिन इस पेशेंट को बिलिरुबिनूरिया नहीं हो रही है, इस पेशेंट में बिलिरुबिनूरिया नहीं हो रही है। पेरीफेरल स्मियर, रेटिक काउंट और सीरम हेप्टोग्लोबिन सब कुछ नॉर्मल मिल रहा है। इस पेशेंट में पेरीफेरल स्मियर, रेटिक काउंट और सीरम हेप्टोग्लोबिन सब नॉर्मल मिल रहा है। यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी का अमाउंट आपकी घट गई हुई है, 10% ऑफ नॉर्मल बन चुकी हुई है। यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज का अमाउंट तुम्हारा घट चुका हुआ है, कम से कम 10% ऑफ नॉर्मल बन चुका हुआ है। चेस्ट चेक से करने पे हम लोग को लोअर कंसोलिडेशन मिल रही है राइट लोअर लोब की, ठीक है, लोअर कंसोलिडेशन मिल रही है राइट लोअर लोब की, जो सजेस्ट करे कि इस पेशेंट को निमोनिया हो रही होगी, इस पेशेंट को निमोनिया हो रही होगी। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग इस पेशेंट को फिनोबारबिटोन दे रहे हैं 60 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा 3 हफ्तों के लिए। फिनोबारबिटोन 60 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा 3 हफ्तों के लिए, साथ ही साथ एम्पिसिलिन दे रहे हैं हम लोग 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा 1 हफ्ते के लिए निमोनिया के लिए। एम्पिसिलिन हम लोग चला रहे हैं इस पेशेंट को 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा 1 हफ्ते के लिए निमोनिया को ठीक करने के लिए। तो हम लोगों का रिपोर्ट देख लीजिए, 22 साल का एक मुसलमानी लड़का है जिसको जो तुम्हारा फास्टिंग कर रहा था रमजान के महीने में, अब वो कंप्लेन कर रहा है कि उसमें येलोइंग ऑफ आइज हो रही है 1 हफ्ते से, साथ ही साथ उसको बुखार और प्रोडक्टिव कफ होता चला जा रहा है 2 दिनों से। प्रोविशनल डायग्नोसिस गिलबर्ट सिंड्रोम का बनाया गया हुआ था। पेशेंट में कर्निक्टरस हो रही है दोनों ही आंखों के यहाँ पे 1 हफ्ते से, जो तुम्हारी नॉन प्रोग्रेसिव है, और साथ ही साथ तुम्हारी माइल्ड अपर एब्डोमिनल पेन भी हो रखी हुई है, और साथ ही साथ इन्फेक्शन भी हो रखा हुआ है। एग्जामिनेशन करने पर हम लोग को माइल्ड जॉन्डिस मालूम पड़ रहा है, लेकिन कोई भी हेपेटोस्प्लेनोमेगली नहीं मिल रही है, बाकी सारा के सारे एग्जामिनेशन विद इन नॉर्मल लिमिट मिल रहा है। इस पेशेंट में कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं है गिलबर्ट सिंड्रोम की, लेकिन उसके पिताजी को भी ऐसे ऑन एंड ऑफ कनेक्टर्स हुआ करता था, ऐसा उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं कि डीज तुम्हारी ऑटोसोमल डोमिनेंट नेचर की होगी। इन्वेस्टिगेशन करने पर हम लोग को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ी हुई मिल रही है 4 मिलीग्राम% तक, लेकिन नॉर्मल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल मिल रही है। इसके साथ ही साथ तुम्हारे यूरिन में यूरोबिलिनोजन मिल रहा है, लेकिन कोई बिलिरुबिनूरिया नहीं हो रखी हुई है इस पेशेंट को। हेमोग्लोबिन काउंट्स जब हम लोगों ने चेक किया तो वो सब कुछ नॉर्मल लिमिट के अंदर मिल रही है। पेरिफेरल स्मियर भी विद इन नॉर्मल लिमिट है, रेटिक काउंट भी विद इन नॉर्मल लिमिट है, सेरम हेप्टोग्लोबिन भी आपकी नॉर्मल लिमिट के अंदर ही है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेकिन तुम्हारा घट गया हुआ है। चेस्ट एक्सरे जब हम लोगों ने किया तो हम लोग को लोअर कंसोलिडेशन मिल रही है राइट लोअर लोब के यहाँ पे, जो सजेस्ट करे कि इस पेशेंट को निमोनिया हो रखा हुआ होगा। स्पूटम और ब्लड कल्चर का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी का लेवल जब हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि वो नॉर्मल वैल्यू के भी 10% तक ही घट चुका हुआ है। इसी वजह से क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर हम लोगों ने डायग्नोसिस बनाया हुआ है कि इस पेशेंट को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो रखी हुई है, जिसमें उसको माइल्ड डेफिशिएंसी हो रही है बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की, जिसके वजह से इस पेशेंट में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। इस डिजीज को हम लोग कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम, और ये एग्रेवेटेड हो रही है फास्टिंग ड्यूरिंग रमादान के वजह से और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वजह से, जो कि तुम्हारी लोअर कंसोलिडेशन कॉज कर रही है राइट लोअर लोब ऑफ द लंग के यहाँ पे, और पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है माइल्ड कर्निक्टरस के साथ, फीवर के साथ,
साथ प्रोडक्टिव कफ के साथ। पेशेंट में हम लोग फिनोबार्बिटन 60 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा दे रहे हैं 3 हफ्ते के लिए, डेट इज जब तक वो रमादान के महीने में फास्टिंग करते चले जाए तब तक के लिए हम लोग इसको फिनोबार्बिटन देते चले जा रहे हैं। और इससे उसके यूडीपी ग्लूकोनोसाइड ट्रांसफरेंस की एक्टिविटी बढ़ी हुई रहेगी। इसके साथ ही साथ हम लोग एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा चला रहे हैं 1 हफ्ते के लिए एज एन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और उस पेशेंट को हम लोगों ने एडवाइस करके रखा हुआ है कि 2 हफ्ते बाद फिर से फॉलोअप कराए। फिर से एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। 22 साल का एक मुसलमानी आदमी है जिसको रमादान के महीने में फास्टिंग करने की वजह से अब आंखों में येलोइंग हो रही है 1 हफ्ते से। साथ ही साथ इसको बुखार और प्रोडक्टिव कफ होता चला जा रहा है 2 दिनों से। प्रोविजनल डायग्नोसिस गिलबर्ट सिंड्रोम का बनाया गया हुआ था। पेशेंट में तुम्हारी कर्निक टेयर्स हो रही है दोनों ही आंखों के यहाँ पे 1 हफ्ते से, जो कि तुम्हारी नॉन प्रोग्रेसिव है। और साथ ही साथ माइल्ड अपर एब्डोमिनल पेन होती चली जा रही है और साथ में इन्फेक्शन भी हो रखा हुआ है। एग्जामिनेशन करने पर इस पेशेंट में माइल्ड जॉन्डिस मिल रही है लेकिन कोई भी हेपेटोस्पोरा मेगाली नहीं मिल रही है। बाकी सारा एग्जामिनेशन विद नॉर्मल लिमिट मिल रहा है। इस पेशेंट में अपना कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिल रही गिलबर्ट सिंड्रोम की, लेकिन उसके पिताजी जो है उसको अक्सर ही ऑन एंड ऑफ कनेक्टर्स हुआ करता था, ऐसे उसके रिसर्चर बोल रहे हैं, जो कि सजेस्ट कर रही है कि ये डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट नेचर की है। इन्वेस्टिगेशन करने पे अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन का लेवल तुम्हारा 4 मिलीग्राम% तक बढ़ी हुई मिल रही है, लेकिन नॉर्मल कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल है। इसके अलावा यूरिन में तुम्हारी बिलिनोजन भी मिल रही है लेकिन कोई भी बिलरुबिन यूरिया नहीं हो रखी हुई है। हेमाटोलॉजिकल काउंट्स इस पेशेंट का विद इन नॉर्मल लिमिट है। पेरिफेरल स्मियर, रेटिक काउंट और सेरम हेप्टोग्लोबिन सब कुछ नॉर्मल लिमिट के अंदर मिल गया हुआ है, लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल इस पेशेंट का घट चुका हुआ है। चेस्ट एक्सरे करने पे हम लोगों को लोअर कंसोलिडेशन मिल रही है राइट लोअर लोब के यहाँ पे, जो सजेस्ट कर रही है इस पेशेंट को निमोनिया हो रखी हुई होगी। स्पुटम और ब्लड कल्चर का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेंस का अमाउंट तुम्हारे नॉर्मल वैल्यू के 10% तक ही घट चुकी हुई है। इसी वजह से क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर हम लोग डायग्नोसिस बना रहे कि इस पेशेंट को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो रखी हुई होगी, जिसमें माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ बिलरुबिन यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम हो जा रही है, जिसके वजह से इस पेशेंट में अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलरुबिनेमिया हो रही है। इसी डिजीज को हम लोग कह रहे होते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम, और ये गिलबर्ट सिंड्रोम की एग्रेवेटेड हो चुकी हुई है रमादान में फास्टिंग की वजह से और साथ ही साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, जिसके वजह से उस पेशेंट को लोअर कंसोलिडेशन हो रही है राइट लोअर लोब ऑफ द लंग के यहाँ पे, और पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है माइल्ड कर्निक्टेरस फीवर और प्रोडक्टिव कफ लेके। पेशेंट को हम लोग फेनोबार्बिटोन दे रहे हैं 60 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा 3 हफ्तों के लिए, दैट इज जब तक वो फास्टिंग कराए तब तक के लिए, ताकि उसके यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेंस की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ हम लोग इस पेशेंट को एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा दे रहे हैं 1 हफ्ते के लिए एज एन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और इस पेशेंट को हम लोगों ने एडवाइस करके रखा हुआ है कि 2 हफ्ते बाद फिर से फॉलोअप करें। यह था आज का हमारा केस। थैंक यू।